नमस्कार मित्रों, मैं संदीप बिष्ट फ्रॉम उत्तराखंड से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं उदयपुर गोलजू देवता के मंदिर में, क्योंकि आज है उदयपुर में मेला। और दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, अभी जो मंदिर प्रांगण है ये भक्तों से एकदम भरा हुआ है, और साथ ही में ये काफ़ी सारे दुकान इधर लगे हुए हैं। और दोस्तों, उदयपुर मंदिर जो है ये बिंता से करीबन 2-3 किलोमीटर ऊपर ये भव्य मंदिर है। और अभी हम हैं दोस्तों प्रांगण में, और साथ ही में काफ़ी सारे जो है दुकान यहाँ लगे हुए हैं, और मैं आ रखा हूँ अपने दोस्त मनीष के साथ यहाँ। और दोस्तों, मनीष जो है पिछले साल भी हमारे ब्लॉग में था, और इस बार भी, और पिछले साल काफ़ी मज़ा आया था दगड़ियों। तो अभी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं पूरा मंदिर, और साथ ही में आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। लेट्स गो, घूमते हैं पूरा मेला। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम है उदयपुर के प्रांगण में, और देख सकते हैं काफ़ी सारे दुकान यहाँ लगे हुए हैं, और काफ़ी खाने के दुकान, काफ़ी खिलौनों की दुकान, कपड़ों की दुकान, प्रसादी की दुकान, काफ़ी सारे दुकान यहाँ लगे हुए हैं। और साथ ही में देख सकते हैं सामने पानी पूरी का भी दुकान लगा हुआ है, पर दोस्तों इस बार पता है कौन सा दुकान नहीं लगा, इस बार गुड़िया के बाल वाला दुकान नहीं लगा है। तो अभी हम भी चलते हैं और कुछ खाने वाला सामान खाते हैं, और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों कि टेस्ट बताएंगे आपको भी, और पूरे मेले में घूमते हैं। और मेले में घूमने से पहले दोस्तों लेते हैं एक मस्त सिनेमैटिक। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन किस लिए, तो दोस्तों अभी हम सब भक्तों को गुरु जी द्वारा मोती दिए जाएंगे, तो इसीलिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। वो देख सकते हैं उधर से लाइन शुरू हो रही है, और इधर से जो है दोस्तों सीधे मंदिर के सामने से मोती लेने के लिए जाएंगे। और देख सकते हैं अभी हम मंदिर के पीछे साइड है, और सामने धर्मशाला है, और ये है दोस्तों मंदिर, और अभी हम मंदिर के पीछे हैं, और सामने आप सभी जो है भक्तगणों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं अभी निसार ला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज दसवीं और नवमी का त्यौहार साथ में ही मनाया जा रहा है। और दोस्तों, आज जो है चारों तरफ को फल फेंकते हैं, और कहते हैं जिनके हाथों में फल लगता है वो काफ़ी भाग्यशाली होता है। ये देख सकते हैं लोग जो है फल लेने के लिए कैसे कूद रहे हैं। दोस्तों, अभी आप जो है गोलजू देवता का मंदिर देख सकते हैं, और साथ ही में ही आप टीवी में गोलजू देवता की मूर्ति भी देख सकते हैं। दोस्तों, गोलजू देवता आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे, आप जो भी कार्य करना चाहे उसमें आपको सफलता मिले, और आपके जितने भी दुख कष्ट है गोलजू देवता वो कष्टों को हर ले। और दोस्तों, ये देख सकते हैं यह गोलजू देवता का मंदिर, जय गोलजू देवता की। और दोस्तों, इस साइड को जो है धर्मशाला है, और ये देख सकते हैं यह गोलजू देवता का मंदिर। और अभी लेते हैं तो गुड़े मस्त सा सिनेमा। तो दोस्तों, पूरा मेला घूम गया है। मेला घूमने के बाद दोस्तों मेले में अगर जिसने कुछ नहीं खाया ना, वो मेला खाली घूम रहा है। तो आप जो है दोस्तों कुछ खाना दापते हैं। तो अभी हमने ले लिया है टिक्की, ये देख सकते हैं ये है एकदम लजीज टिक्की। तो दोस्तों, अब इस टिक्की को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि टिक्की का टेस्ट कैसा रखा है। वैसे मनीष का है दोस्तों, थोड़ी सी टेस्ट हम भी कर लेते हैं। टिक्की है दोस्तों, जो काफ़ी चटपटा हो रहा है, काफ़ी मस्त हो रहा है, एकदम फंटास्टिक। अब जो दोस्तों पानी पूरी भी दापते के करके सब कुछ दापते, जो जो पूरे मेले में जो जो खाने वाला मिलकर सब खाते हैं। वो कपड़े में गिर गया यार,
अब चलते हैं और खाते हैं पेट भर कर। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं मेले में, और मेले में आके दोस्तों अगर आपने पीपीजी और चश्मा नहीं लिया ना तो आप मेले में खाली आए हैं। तो अभी हम ले रहे हैं पीपीजी और चश्मा। तो अभी जो है दीदी हमें पीपीजी और चश्मा जो है बेच रही है। तो देखो अभी हम एक जो है चश्मा छाट रहे हैं मस्त वाला, और एक पीपीजी भी। देखो पीपीजी तो ये है, हाँ दोस्तों बज रहा है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों एक ये पीपीजी और एक साथी में ये आला चश्मा। दोस्तों एक बार पहन के दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, ये देखो दोस्तों बताओ तुम्हारा भाई इस चश्मे में कैसे लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं ना, खतरनाक वाला। और दोस्तों पता है दीदी ना, दीदी ने पिछले बार मुझे एक चश्मा गिफ्ट किया था। आज मैंने जैसे आया मैंने दीदी से बोला दीदी पिछले बार आपने मेरे को चश्मा गिफ्ट किया था, तो दीदी से भी मिलकर काफी अच्छा लगा। दीदी कितने हो गए पैसे काटो, अब मैं ना मेले में जाता हूँ बजाता हूँ, मजा आता है सबके साथ। तो दोस्तों अभी हम भी चलते हैं मेले में और साथी में बजाते हैं पिपरी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उदयपुर से घर की ओर, और आज हमने लिए हैं दोस्तों बहुत से खिलौने। पहला है ये चश्मा, दूसरा है ये पिपरी, और तीसरा है ये बंदूक। हाँ दोस्तों ये देखो बंदूक भी ले रखा है मैंने। अब जाऊंगा घर और खेल करूंगा डिचुक डिचुक टूर पुलिस। तो दोस्तों आप चलते हैं फटाफट घर को। आज के ब्लॉग में इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड। चलो